बुद्ध वैशाली के लोगों को अजय मानते हैं कि उनको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि बुद्ध बहुत बारीकी से अध्ययन करके ये पाते हैं वैशाली के जो वज्जी लोग हैं उनमें 7 वो गुण हैं जो किसी भी राज्य को, किसी भी स्टेट को, किन्हीं भी लोगों को, किन्हीं भी व्यक्तियों को, यहाँ तक कि जो ये विदा पीपल चल रहा है उसको अजय बना सकते हैं, कभी ना हारने वाला। वो 7 नियम अपरिहार्य नियम बोले जाते हैं, यानी कि जिनको कभी हराया नहीं जा सकता। वो 7 नियम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो अजात शत्रु था मगध का राजा, वो वज्जियों पर यानी वैशाली पर विजय प्राप्त करने के लिए लगातार हमले करता था, हर बार हार जाता था। जब वो थक गया हमले कर तो उसने अपने एक मंत्री को, वर्षाकार मंत्री को वहाँ भेजा बुद्ध के पास, क्योंकि बुद्ध सबज्ञ थे तो वो सब कुछ जानते थे, तो सबयू थे। तो जब वो बुद्ध के पास वो वर्षाकार जाता है तो वो कहता है कि मेरा जो राजा है वो इस वैशाली को ख़त्म करना चाहता है, जड़ से ख़त्म करना चाहता है, वो बार बार हार जाता है, उसने मुझे भेजा है कि आप मुझे बताइए कि क्या कारण है, हम इसको कैसे जीतें। बुद्ध हिंसा की बात सुन के उन्होंने मुंह फेर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, कहीं हिंसा से वो परे थे। तो वस्त्रकार का सवाल का जवाब देना था, इसलिए उन्होंने मुंह फेर कर आनंद की तरफ कहते हुए कहा कि आनंद, क्या तुझे पता है कि वज्जी लोगों के 7 गुण कौन कौन से हैं? तब भगवान बुद्ध एक एक करके जो गुण बताते हैं वो बड़े कमाल के हैं, दुनिया में चलते हैं, सारी दुनिया उनसे सीखती है। वो कहते हैं कि आनंद, वज्जी सन्निपात बहुल करते हैं, यानी कि वो सम्मेलन करते हैं इकट्ठे होकर। सन्निपात का मतलब है सम्मेलन करना और बहुल का मतलब है बहुत। इस सन्निपात को ही बाद में सनिचर्या करके बोला गया है, सनिचर्या, और इसी से सनिचर नाम पड़ा है, क्योंकि शनिवार को सारे लोग, सैटरडे को सारे लोग सम्मेलन करते थे, इकट्ठे होते थे सारे गणराज्यों में, इसलिए उनको कोई हरा नहीं पाता था। तो वो कहते थे कि जब अधिकतर वो शनिचर्या करेंगे, शनिवार यानी शनिवार नाम बाद में पड़ा है, शनिचर्या करेंगे, इकट्ठे होने की चर्या करेंगे, तब तक उनका लाभ ही लाभ होगा, उनकी हानि नहीं होगी, यानी वो हमेशा जीतेंगे, वो कभी भी हारेंगे नहीं। ये रूल नंबर 1 था। फिर रूल नंबर 2 वो कहते हैं कि जब तक ये वज्जी लोग एक साथ एक डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन पे काम भी करेंगे, एक बैठक करेंगे, बैठक में एक डिसीजन लेंगे, डिसीजन में उसमें सारे मिलकर उस डिसीजन को अप्लाई करेंगे, काम करेंगे उस पे, तब तक उनकी कोई हानि नहीं हो सकती, यानी उनका कोई नुकसान नहीं हो सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता, वो अजय रहेंगे। ये रूल नंबर 2 उन्होंने बताया। रूल नंबर 3 में कहते हैं कि जब तक वज्जी लोग, जो वज्जी लोगों की गणराज्य सभा में सामूहिक रूप से जो संविधान बना है, यानी कि जो कानून बना है, जब तक उसका पालन करते रहेंगे और गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, जो सभा ने पारित किया है वही नियम मानेंगे, तब तक उनकी कोई हानि नहीं हो सकती, यानी कि वो हमेशा जीतेंगे, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। रूल नंबर 4 में वो कहते हैं कि जब तक वज्जी लोग अपने अनुभवी लोगों का, जो अनुभवी ज्ञान में लोग हैं, उनकी सही बातों को मानते रहेंगे और उनकी सही बातों पर चलते रहेंगे, तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता, वो हमेशा जीतेंगे। इसमें ये खास बात है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या अनुभवी लोग हैं उनकी सही बात मानना है, गलत बात नहीं मानना है, क्योंकि उम्र के साथ साथ में जो कुछ बुजुर्ग हैं वो बहक भी जाते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, कईयों में मरने के डर से बड़ा लालच आ जाता है, कईयों में प्रसिद्धि पाने की इच्छा आ जाती है, कई बहकी बातें भी करते हैं, तो वो अपनी उम्र की वजह से लोगों को बहका भी देते हैं, लोग उनकी उम्र का लिहाज करते हैं और वो कहीं असत्य बात कहकर सारे मामले को ख़राब कर देते हैं, तो उससे सावधान रहने के लिए बोला है। रूल नंबर 5 में कहते हैं कि वज्जी लोग जब तक अपनी स्त्रियों की और कुमारियों की, यानी लड़कियों की, स्त्रियों की इज्जत करते रहेंगे और उनके साथ ज़बरदस्ती शादी नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती उनके साथ ब्याह नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता। इसका मतलब वज्जी गणराज्य के अंदर, वैशाली के अंदर जो स्त्रियाँ थीं, जो महिलाएँ थीं, वो स्वयंवर करती थीं, यानी कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको खुद चुनती थीं, कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कर सकता था कि ये लड़की मुझे पसंद है तो मैं इससे शादी करूँगा, या कोई लालच देकर शादी नहीं कर सकता था, या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी नहीं कर सकता था, तो जो लड़की की इच्छा होती थी लड़की उससे शादी करती थी, लड़की की पसंद से शादी होती थी, इसलिए वो बहुत मजबूत राज्य था, क्योंकि उसमें सब लोग खुश रहते थे, किसी का कोई वैमनस्य उसमें होता नहीं था। रूल नंबर 6 में वो कहते हैं कि वज्जी लोग अपने जितने भी चौरा चौरी होते हैं, यानी कि जहाँ
बुजुर्ग उनके मरते हैं और उनका वो स्तूप बनाते हैं, उस स्तूप की जब तक वो सत्कार करते रहेंगे, उस स्तूप को मानते रहेंगे, उनकी देखभाल करते रहेंगे, वहाँ जाते रहेंगे, उनका आदर करते रहेंगे, तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता। यानी कि जो जानकार लोग, जो अनुभवी लोग हैं, उनको याद करते रहेंगे, उनकी बातें याद करते रहेंगे, उनकी बातों पर चलते रहेंगे, उनकी इज्जत करते रहेंगे, तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता। और रूल नंबर 7 में वो कहते हैं कि जो अर्हत लोग हैं, अर्हत का मतलब है जो राग द्वेष से मुक्त हो चुके लोग हैं, जो ऐसे लोग आते हैं जिनको आज के समय भिक्खु भिक्खुनी कहते हैं, उस समय तो बुद्ध थे तो उस समय तक तो अर्हत ही बोला जाता था, तो जो अर्हत लोग हैं, जो जा चुके हैं, जो मर चुके हैं या जो आने वाले हैं, जो आ रहे हैं, सभी तरह के अर्हत हैं, जब तक उनकी इज्जत करते रहेंगे, उनकी बात मानते रहेंगे, उनका स्वागत करते रहेंगे, तब तक वज्जियों को हराने वाला कोई इस दुनिया में है नहीं। ये 7 अपरिहार्य नियम बताए उन्होंने। ये अपरिहार्य नियम जो 7 के साथ हैं, अजय नियम बोलते हैं इनको, इनको हरा नहीं सकते। ये 7 नियम आज भी पूरी दुनिया में चलते हैं। इसलिए इसमें जो 2 पहले नियम हैं वो ये कहते हैं कि जो आज हम जिसको शनिवार बोलते हैं कि इसमें हमें इकट्ठा होना चाहिए। शनिवार दरअसल हमारा इकट्ठा होने का नाम है और हम लोग इकट्ठे होते थे, उसी से शनिवार पड़ा है। तो इकट्ठे होना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। एक डिसीजन का मतलब है कि बहुमत से डिसीजन करना चाहिए और उसको ही करना चाहिए, उसको ही मानना चाहिए सबको। ये नियम हम छोड़ चुके हैं, हमारे लाखों संगठन हैं। इसलिए ये जो बहुजन समाज है, SC ST OBC समाज है, या जो समण समाज है, इसलिए ये सारा समाज परेशान है। अगर ये 7 के 7 नियम मानता है तो फिर इसको हराने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा बुद्ध से पहले था, ऐसा बुद्ध ने देखा, ऐसा बुद्ध ने बताया और ऐसा अभी भी होता है। धन्यवाद।